हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और ये देखिए, मैं भुट्टा जला रही थी, शाम का क्लिप है ये मेरा। तो मैं और मेरे तीनों बच्चे अभी भुट्टा का एंजॉय करेंगे। हम लोग शाम के टाइम में मार्केट गई थी तो मुझे मिल गया था, तो मैं ले आई थी घर। हालांकि अभी सीजन स्टार्ट होने वाले हैं, बट वो बड़े वाले दाने वाले अभी मिल रहे हैं मार्केट में, तो मैं ले आई थी। बाबू को मेरा बहुत पसंद आता है। और ये नींबू मिर्ची के साथ मैंने इसको इंजॉय किया है, और चाट मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया है। और मैं मेरी बेटी देख सकते हैं कैसे इंजॉय लेकर के खा रहे हैं। और इतना ही टेस्टी लगा था, मिठास इसका एक अलग सा आ रहा था। मुझे लगा कि ये टेस्टी नहीं लगेगा, बट बहुत टेस्टी था। तो ये लीजिए, हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। और मॉर्निंग में मैंने डीप क्लीनिंग का फाइनली डिसीजन ले लिया था। और आज कई दिनों से मैं सोचे जा रही थी कि मुझे करना है करके मैं एक एक दिन टाले जा रही थी। और फाइनली आज मैं सुबह उठ करके लग गई थी धोबन जैसा कपड़े धोने के लिए। और ये देख सकते हैं, पर्दे वगैरह मैंने सारे निकाल लिए थे और सरफ में डाल रही थी मैं। और इस सुबह से ही मैं लगी थी आज करीबन 4 बजे के आसपास से। तो ये तीनों बच्चा का नाश्ता मैंने प्लेट्स लगा दिए थे, ये लोग को मैं नाश्ता करवा दूँगी। और आ जाती हूँ फिर से मैं कामों को करने के लिए। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैं चाय वगैरह थोड़ा सा पी ली हूँ और कुछ भी नहीं। ये मेरा एक्वेरियम पूरी तरीके से गंदा हो चुका था, तो मैं आज इस पर भी लग ही गई थी, क्योंकि मछलियाँ इसमें जितनी भी मैंने डाली थी वो धीरे धीरे एक एक करके गर्मी की वजह से कि क्या सारा मेरा मर चुका था। तो मैंने इसको भी धो डाला है, सरफ पानी ये सबसे सारे चीज़ों को नीचे उतार करके मैंने फ्लावर वगैरह जो भी थे जितने सारे इसमें डाले हुए थे मैंने सारे को निकाल करके फिर इसको अच्छी तरीके से वॉश करके फिर उसके जगह पे मैं जैसे तैसे ही रखी हूँ अभी। और ये देख सकते हैं, मेरी साड़ियाँ जो थी और जो छोटे बड़े कपड़े थे जो मशीन में जाने लायक नहीं थे, मैंने उसको हाथ से ही रगड़ रगड़ के साफ किया है। और इस बकेट में मेरा साड़ी वगैरह है, ये सब है, कुछ कपड़े और कुछ तो मशीन में ओवरलोड हो चुके थे, इस वजह से मुझे हाथ से भी करना पड़ा। और थोड़ी सी जल्दीबाजी मुझे मॉर्निंग में हो जाती है, क्योंकि लाइट्स का थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रॉब्लम चलता है सुबह के टाइम में। और साथ ही साथ मैं पोछा भी लगा लूँगी। अब पानी मैंने फिनाइल के साथ लाइजोल के साथ गिरा लिया है रूम में, उसके बाद पोछती हूँ। ये लेकर के मैंने 2 बार अपने रूम को क्लीन अप किया, तब जा कर के पूरी तरीके से क्लीन हो पाया था। और जोरों की लग चुकी थी मुझे भूख, तो मैं जैसे ही नहा के निकली बेटी ने थमा दिया मेरे हाथ में प्लेट खाना का। तो मुझे तो आज बड़ा अच्छा फील हुआ कि कामों का करने के बाद खाने का जो एंजॉय होता है मैंने वो पूरी तरीके से उठाया, क्योंकि बेटी तो पूरी तरीके से खाने को रेडी कर दी थी मेरा। और देख सकते हैं रूम का हालत, पर्दे वगैरह निकलने के बाद कैसे कबाड़ खाने जैसे दिख रही है। और ये देख सकते हैं एक्वेरियम का लुक मेरा, इसमें सारे फ्लावर मैंने ऐसे ही वॉश करके डाल दिए हैं और धूप में रखी थी इस वजह से जल्दी सूख गए हैं वो, तो मैं उनको जगह पर डाल दी हूँ। और खाना खाने के बाद मैं लग जाती हूँ ड्रेसिंग टेबल को मैं अपना क्लीन अप करने के लिए, और सारे सामानों को मैं निकाल करके ज़मीन में रख दी हूँ। और एक एक सामानों को मैं हटाऊँगी, फिर उसको अच्छे से कपड़े से पोछ के फिर मैं रिटर्न उसको रखूँगी उसके जगह पर। तो ये देख सकते हैं कि लग रहा है कि ये स्टोर खुल चुका है मेरा, और मैंने सारे सामान नीचे ही ऐसे रख करके मैं और मेरी बेटी के दोनों मिल करके हम लोग लग चुके हैं माँ बेटी, और फिर एक एक चीज़ों को हम लोग रखेंगे। हम माँ बेटी ने मिलकर ड्रेसिंग को जैसे ही फाइनल किया, सेटअप किया, उसके बाद मैं आ जाती हूँ बेड वगैरह सेटअप करने के लिए। बेडशीट मैंने डाल दिया है, और बेडशीट वगैरह ठीक ठाक करने के बाद मैं कर्टन्स भी रेडी कर लूँगी लगा करके, क्योंकि ये बहुत हल्के पर्दे हैं तो तुरंत ही सूख जाते हैं। और मैंने मशीन में ड्रायर कर लिया था, इस वजह से थोड़ा मुझे आसानी हो गया, ज़रा सा मैं बाहर रखी तो ये हवा में भी ऐसे भी सूख जाते हैं। तो ये देखिए, मैं और मेरे हम लोग तीनों माँ बेटी मिल करके इसको जल्दी जल्दी से कर लिए हैं।
तो फ्रेंड्स करती हूँ मैं वीडियो का यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।